केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी जिसको आप मनरेगा समझते हैं उसके तहत काम करने वाले मजदूरों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने मनरेगा मजदूरी दर में 3 से लेकर 10% तक का इजाफा किया है। अब आप कहेंगे कि सरकार ने चुनाव से पहले देश की जनता को हर तरह से लुभाने की कोशिश की है। देखिए ना, पहले महिला दिवस के दिन घरेलू सिलेंडर पर 100 रुपए की छूट देना हो या पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 300 रुपए की सब्सिडी देना हो, देश की 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स का डीए 4% से बढ़ाकर 50% करना हो या मिडिल क्लास को पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपए की छूट देना हो, सरकार के इन सारे कदमों से तो यही साफ प्रतीत होता है कि मोदी सरकार हर वर्ग को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। चलिए अब इस खबर को और विस्तार से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मोदी सरकार ने देश के 14.28 करोड़ सक्रिय श्रमिकों यानी मजदूरों को कैसे साधने की कोशिश की है, इस बात को आसान भाषा में समझिए। 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया था। इस बजट में उन्होंने मनरेगा के बजट में वृद्धि का ऐलान किया था। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में मनरेगा का बजट लगभग 60,000 करोड़ रुपए था, जिसे फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए 86,000 करोड़ रुपए कर दिया गया था। अब इसी बात को अमली जामा पहनाना था, लेकिन सरकार और इस योजना के बीच आ गया आदर्श आचार संहिता कानून। अब आदर्श आचार संहिता कानून वाला मामला समझिए। असल में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस वक्त पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू है। सरकार कोई भी लोक लुभावने ऐलान नहीं कर सकती, इसलिए बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार देश की ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मजदूरों की जो दर है उसको नोटिफाई करने से पहले चुनाव आयोग से इसकी इजाजत मांगी थी। जैसे ही आयोग से हरी झंडी मिल गई तो मंत्रालय ने तुरंत बढ़ी हुई मजदूरी का नोटिफिकेशन आज ही जारी कर दिया। बता दें, मनरेगा मजदूरों के लिए नई वेतन दरें 1 अप्रैल 2024 से लागू हो जाएंगी। अगला सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि किस राज्य में सबसे ज्यादा और कहां सबसे कम मजदूरी बढ़ी, तो चलिए आपके इस प्रश्न का भी जवाब देने की कोशिश करते हैं। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक हरियाणा में प्रतिदिन अधिकतम 374 रुपए मजदूरी मिलेगी और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के लिए 234 रुपए प्रतिदिन तय किया गया है। वहीं गोवा को 10.56% और कर्नाटक को 10.4% यानी इन दोनों राज्यों में मजदूरी में सबसे अधिक प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। बता दें, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मजदूरी दरों में सिर्फ 3% की यानी सबसे कम बढ़ोतरी की गई है। वहीं आंध्र प्रदेश 10.29%, तेलंगाना 10.29% और छत्तीसगढ़ 9.95% की जोरदार प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। बता दें, इस साल संसद में पेश किए गए एक रिपोर्ट में ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर संसदीय स्थायी समिति ने राज्यों में मनरेगा मजदूरी दरों को कम ज्यादा होने की जानकारी दी थी। समिति का कहना था कि अभी जो मजदूरी दी जा रही है वो पर्याप्त नहीं है, अगर वर्तमान में रहने खाने के खर्च को देखा जाए तो इसके लिए मजदूरी दर काफी नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संसदीय स्थायी समिति ने न्यूनतम मजदूरी पर केंद्र सरकार की समिति अनूप सतपति कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दिया था। इसमें सिफारिश की गई थी कि मनरेगा कार्यक्रम के तहत मजदूरी 375 रुपए प्रतिदिन होनी चाहिए। इसके बाद ही लगने लगा था कि सरकार मजदूरी में बढ़ोतरी करने वाली है। अब जिस मनरेगा की इतनी चर्चा हो रही है इसके इतिहास के बारे में भी जान लीजिए। ग्रामीण विकास मंत्रालय के जरिए मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत साल 2005 में की गई थी। इसकी गिनती दुनिया के सबसे बड़े रोजगार गारंटी योजनाओं में से एक के तौर पर किया जाता है। इस योजना के तहत सरकार ने एक न्यूनतम वेतन तय किया हुआ है जिस पर ग्रामीण इलाकों के लोगों को काम पर रखा जाता है। मनरेगा के तहत करवाए जाने वाले काम अकुशल यानी अनस्किल्ड होते हैं, जिसमें गड्ढे खोदने से लेकर नाली बनाने जैसे काम शामिल होते हैं। योजना के तहत एक साल में 100 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी मिलती है। मौजूदा समय में मनरेगा की मजदूरी CPIAL यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि श्रम में बदलाव के आधार पर तय किया जाता है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रा स्फीति यानी इन्फ्लेशन को दर्शाती है। इसी तरह बिजनेस जगत और देश और दुनिया की तमाम ताजातरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।